तो तुम्हें फाइनली फुर्सत मिल गई अपनी बीवी से? हाँ, अभी भी फोन करने की क्या जरूरत थी वी? जैसे कल का पूरा दिन निकल गया, वैसे आज का भी पूरा दिन निकल जाने देते ना। रिलैक्स काव्या। कैसे रिलैक्स करूं वी? Did you even bother to check मैंने तुम्हें कल से कितने फोन्स और मैसेजेस किए? अरे तुम तो छोड़ो, मैंने अनुपमा को भी कितने मैसेजेस किए, मगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना बिजी हो गए। मेरे और अनुपमा के फोन्स घर पर ही रह गए थे, इसीलिए अभी भी मैं तुम्हें किसी से मांग के फोन कर रहा हूँ। अरे एक तो मैं यहाँ पे कर्फ्यू की वजह से फंस गया हूँ, बिना मेरा हालचाल पूछे तुम पहले शिकायतें लेके बैठ गई। तुम वहाँ अब तक क्या कर रहे हो वी? अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ कॉन्फ्रेंस है, वो अटेंड कर रहा हूँ, और इसके बाद अवेंजर्स की कास्ट के साथ पार्टी। प्लीज 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 प्लीज, इतना सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है, ओके? और तुम्हें इतना स्टूपिड होने की जरूरत नहीं है। अगर वापस आना मेरे बस में होता तो मैं अभी तक वहाँ होता, यहाँ नहीं। वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई जंग नहीं छिड़ी है। अगर तुम चाहते ना तो तुम वापस आ सकते थे, मगर तुम्हें तो मौका चाहिए था, बहाना मिल गया ना तुम्हें अनुपमा अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। फाइन, अगर तुम्हें यही सोचना है तो यही सही, मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन है भी नहीं देने के लिए भी। तुम अपनी वाइफ के साथ अकेले बाइक पे पिकनिक गए हो, उसी के साथ रिसोर्ट में रुके हुए हो, और 24 घंटों के बाद मुझे फोन कर रहे हो। Is there any explanation for that? Kavya, enough. Come on. अगर तुम्हें लगता है कि मैं कर्फ्यू तोड़ के पुलिस से लड़के वहां तक आ जाऊं, तो I'm sorry, that is not possible. और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल है, then why don't you do one thing? तुम यहाँ पे आ जाओ, मुझे पिकअप करके ले जाओ। Fine. अब तो मैं यही करूंगी। ग्रीन लाइफ जंगल कैंपिंग एंड रिसोर्ट चलिए प्लीज। उस तरफ तो कर्फ्यू लगा हुआ है मैडम। जानती हूँ वहाँ कर्फ्यू लगा है, मगर मैं कह रही हूँ चलिए तो चलिए, इट्स एन इमरजेंसी प्लीज। क्या हुआ? इसके आगे नहीं जा सकते मैडम। क्यों? कर्फ्यू है, देखिए ना आगे कितने पुलिस वाले खड़े हैं। मेरी मानिए तो वापस चलते हैं। नो, यहाँ तक आई हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम रुको, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? मैडम मैडम, आगे कर्फ्यू लगा है मैडम, मैडम हमारी हमारी नौकरी चली जाएगी मैडम मैडम मैडम। वन्नू, मैं अनुपमा के साथ एक ही घर में रहता हूँ ना, और हम कौन सा किसी रिजॉर्ट में हनीमून के लिए जा रहे हैं? शहर के बाहर एक पिकनिक स्पॉट है, वहां पे जा रहे हैं, सब लोग साथ में। रुक जाइए, आपको पता है ना यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है? मुझे पता है इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आई नीड हेल्प। मेरे होने वाले पति वो मुसीबत में है, प्लीज लेट मी गो, आई नीड योर हेल्प। ऐसे तो हर कोई अपना अपना एक्सक्यूज लेकर यहाँ आ जाएगा, कर्फ्यू का पालन हर किसी को करना चाहिए। आप आगे नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। प्लीज आप हमारी मदद के लिए है ना यहाँ पे, आप पुलिस है, प्लीज अगर मैं आपसे मदद नहीं लूंगी तो कौन कौन मदद करेगा मेरी? देखिए मैडम, ये कर्फ्यू लोगों के सेफ्टी के लिए लगाया गया है, उस तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां जाना आपके लिए डेंजरस हो सकता है, प्लीज गो बैक, जाइए वापस आप, जाइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बेटा। पंडित जी, मुझे इसी महीने में शादी का मुहूर्त देखना है। इसी महीने में? अगले हफ्ते भी होगा तो भी अच्छा है पंडित जी। आप कुंडली लाई हैं? कुंडलियां तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम प्रश्न कुंडली बना लेंगे, उसी के हिसाब से ही विवाह का मुहूर्त निकाल लेंगे। अच्छा जी। आपके पास लड़का लड़की की तस्वीर है? माफ करना बेटा, प्रश्न कुंडली के हिसाब से तुम दोनों का विवाह का कोई योग नहीं बनता। इस विवाह में बहुत विघ्न है। पंडित जी ऐसा मत कहिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। ये तो सिर्फ प्रश्न कुंडली है ना पंडित जी, अगर ये सेम प्रश्न मैं आपसे कल पूछूंगी तो कुंडली बदल जाएगी क्या? पंडित जी प्लीज प्लीज, वी और मैं, आई एम सॉरी, वनराज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पंडित जी, और हम शादी करना चाहते हैं, प्लीज कोई अच्छा मुहूर्त देकर बता दीजिए ना प्लीज। बेटा मैं चेहरा देखकर मन पढ़ लेता हूँ, और इसका चेहरा देखकर साफ प्रतीत होता है कि इसका मन बहुत विचलित है, विवाह को लेकर बहुत असमंजस में है, समय के साथ साथ ये और विपरीत होता जाएगा, हो सकता है कि इसके मन से शादी का ख्याल ही हट जाए, और आप शादी की तारीख निकाल भी लेंगी
तो भी शादी में बहुत विघ्न है बेटा। तो पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। कोई पूजा, कोई हवन, कुछ भी जिससे ये शादी जल्द से जल्द हो जाए बस। इसमें समय जाएगा बेटा, और तुम दोनों के पास समय है नहीं। कोशिश करो कि ये विवाह जल्द से जल्द हो जाए, वरना विलंब इस विवाह को हमेशा हमेशा के लिए टाल सकता है। I knew it, वी अपना माइंड बदल रहा है, इसीलिए वो डिवोर्स को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। और ऊपर से डिवोर्स से पहले वो अनुपम और पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और ऑन टॉप ऑफ दैट इस वक्त वी और अनुपमा अकेले रिसॉर्ट में। नो, कहीं वी सच में अपना माइंड तो नहीं बदल रहा है? और कितना टॉर्चर करेंगे आप मुझे? मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, शादीशुदा होकर एक शादीशुदा आदमी से प्यार किया मैंने, मगर भगवान, प्यार करना इतना बड़ा पाप है क्या? अपने बारे में सोचना, अपनी खुशियां ढूंढना, क्या ये इतनी बड़ी गलती है? सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, सब लोग मुझे कोस रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, मगर आप तो भगवान है ना, आप क्यों मुझे जज कर रहे हैं, क्यों मुझे सजा दे रहे हैं, और कब तक? बस प्लीज मेरे वी को मुझे दे दीजिए, मैंने वी के लिए बहुत इंतजार किया है भगवान, बहुत। अब मेरे अंदर और ताकत नहीं है, और पेशेंस भी नहीं है अब मुझ में। तुम दोनों का विवाह का कोई योग नहीं बनता, इसका मन बहुत विचलित है, विवाह को लेकर बहुत असमंजस में है, हो सकता है कि इसके मन से शादी का ख्याल ही हट जाए। दूसरी औरत हूं मगर गलत नहीं हूं, मैंने वी से प्यार किया, सच्चा प्यार, और मैं अपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगी, भले और कुछ ना सही। मैंने अनुपमा से इतना तो सीखा है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। I won't give up.